डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलियों के लिए नई सरेंडर पॉलिसी लाएगी, नक्सलियों की सरेंडर पॉलिसी की ओर बेहतर करना है। आगे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि और अधिक सुविधाएं देकर उनका जीवन व्यवस्थित करें। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नशे को लेकर कहा कि एक ग्राम भी ड्रग्स भारत में प्रवेश न कर सके, इसके लिए भारत सरकार कार्य कर रही है। अगर छत्तीसगढ़ में भी ड्रग मिलता है तो वह उसकी पूरी जाँच की जाएगी और कठोरता के साथ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ड्रग यूजर की प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कुछ लोगों की ओल्ड स्कीम और कुछ को नई पेंशन स्कीम की भी मांग थी, दोनों को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया गया है। माननीय अमित शाह जी ने केंद्रीय स्तर पर भी इस योजना के आधार पर यह कहा कि पूरी कोशिश हम इस बात की पूरी ताकत के साथ की जाएगी कि एक ग्राम भी कोई ड्रग भारत में प्रवेश न करे। और इसी परिपाटी में छत्तीसगढ़ में भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भी एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये प्रारंभ हो चुका है। हर एक कैंपस में जाकर के इस बात को रखा जाएगा, हर तरह से टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, यानी कि अगर कोई यूजर है तो वो विक्टिम उसको माना जाएगा, और कोई ट्रेड कर रहा है उसका तो वो कल्प्रिट होगा। तो टॉप टू बॉटम, यानी अगर ट्रेड करने वाला कोई भी एक कड़ी मिलती है तो कहाँ से आया, कहाँ तक जाने वाला था, या कोई यूजर मिल गया तो यहाँ से ऊपर कहाँ तक गया है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दोनों ही अप्रोच करते हुए एक बिंदु भी अगर मिला तो पूरी कड़ी पता करके तोड़ी जाएगी। और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन पूरी ताकत से लगेगा। आगमन के विषयों पर बस्तर में आगामी समय में जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके माध्यमों से आतंकवाद को जिस तरीके से हम समझते हैं, तो नक्सलवाद को, तो नक्सली लोग न बने। 13 से 18 की उम्र में बच्चों को जबरदस्ती नक्सली बनाया जाता है। एक एक घर से एक एक नौजवान को पकड़ कर ले जाया जाता है। यह भी ना हो, यह भी बंद हो, इसके लिए गतिविधियां हम कर रहे हैं। जो नक्सली जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, वो पूरी तरीके से फैसिलिटेट हों, वह भी एक प्रक्रिया की जा रही है। जो विक्टिम हैं, पीड़ित हैं नक्सल इन विषयों को लेकर के, उन पीड़ितों की ही चिंता करने के लिए कुछ एनजीओज भी सामने आए हैं और सरकार के माध्यम से भी उस पर काम हो रहा है। इन तीनों आयामों के बाद चौथा आयाम ऑपरेशन का है, उसके लिए तो आपको ध्यान ही है, वह भी काम किया जा रहा है। इन चारों आयामों पर, जिसमें बस्तर की संस्कृति, बस्तर की खेल प्रतिभाएं, बस्तर के नौजवान, बस्तर के वाद्य, बस्तर का खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न, बस्तर के व्यंजन, बस्तर की परिधान, इन सारे विषयों पर काम किया जाएगा सरकार के माध्यम से। हर हाल में ये पूरा समाज संरक्षित, सुरक्षित, उन्नत हो, इसके लिए सरकार काम करे।